हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अगस्त और हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में। चूंकि यस बैंक ने आज की तारीख में 52 वीक का एक लो बनाने के बाद देखिएगा एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब चूंकि ये जो रिकवरी है ये कहां तक स्टैंड कर सकती है इसको चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा आप जैसा देख पा रहे होंगे आज की तारीख में जो कि हमारा 52 वीक का लो बना है 70.55 के लगभग। चूंकि देखिएगा अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 73.60 के लगभग थी, ओपनिंग होती है हमारी 74.90, यानी कि देखिएगा गैप अप ओपनिंग थी जो कि तकरीबन देखिएगा 1.30 रुपए के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगी आज सुबह। वही देखिएगा हाई था हमारा 77.90 का, तो देखिएगा ओपनिंग से अगर हम हाई की बात करते हैं तो तकरीबन सीधे 3 रुपए का हाई हमने बनाया। फिर देखिएगा लो की बात करते हैं तो 70.55 यानी कि देखिएगा ओपनिंग से तकरीबन 4.35 रुपए नीचे जाके हमने एक लो बनाया है। उसके बाद देखिएगा हमारी क्लोजिंग हुई 76.55, क्योंकि देखिएगा वो ओपनिंग से अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्लोजिंग जो है तकरीबन 1.65 रुपए के लगभग आपको ऊपर दिखाई देगी। तो अगर हम चीजों को देखते हैं तो देखिएगा 54,000 के लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगी सेल्स क्वांटिटी जो कि अभी लगी हुई है। जो क्वांटिटी आज की तारीख में ट्रेड हुई है ट्रेड काफी अच्छा हुआ है, 17,31,00,000 के लगभग, 1,52,00,000 के लगभग डिलीवरी हुई है, 8.82% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज है। आगे चलते हैं और देखते हैं देखिएगा अब चूंकि देखिएगा यहाँ पे जो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो है क्लोजिंग फ्यूचर्स के प्राइस की, जिससे पता चलता है बेसिस नेगेटिव है, मे पॉसिबली कल की तारीख में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। वही देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो बड़ा है और देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखिएगा घटा है। तो सीधे सीधे शॉर्ट्स जो कवर हुए हैं उनकी वजह से देखिएगा आज की तारीख में हमको तेजी देखने के लिए मिली है। अगर हम जाके देखते हैं देखिए ऑप्शन चैन पर तो देखिएगा एट द मनी 75 और 80 के बीच में है। यहाँ पर देखिएगा हुआ क्या है, अगर आप 70 के लेवल की बात करते हैं तो देखिएगा कॉल में आपको सीधे सीधे 2,00,000 से ज्यादा का कॉल की अनवाइंडिंग मिलेगी जो कि रेजिस्टेंस कम होता हुआ नजर आएगा। अगर ओआई की बात करते हैं 70 की स्ट्राइक पर कॉल में तो देखिएगा वो 10,00,000 से ज्यादा का है ओआई। 70 की स्ट्राइक पर अगर देखिएगा आज पुट राइटिंग की बात करें तो तकरीबन 22,000 के लगभग यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है 70 की स्ट्राइक पर, 49,00,000 से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो चूंकि देखिएगा 70 अभी एक मजबूत सपोर्ट की तरह है जो आज हमने देखा भी है। 75 की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 5,94,000 के लगभग पुट राइटिंग हुई है जहाँ पे देखिएगा 36,00,000 से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। 75 के लेवल की बात करेंगे तो देखिएगा 2,68,000 के लगभग आज की तारीख में कॉल राइटिंग हुई है 75 की स्ट्राइक पर जहाँ पे 24,00,000 से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो 75 की स्ट्राइक पर आप देखेंगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको पुट राइटर्स की मजबूती देखने के लिए मिलेगी जो कि आप एक छोटा मोटा एक सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। लेकिन चूंकि जब आप 80 की स्ट्राइक पर आते हैं और उससे नीचे बात करते हैं तो देखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिएगा देखने के लिए मिलेगी पुट की अनवाइंडिंग जिससे सपोर्ट कमजोर होते हुए नजर आएंगे। वहीं 80 के स्ट्राइक पर देखिएगा 7,15,000 की कॉल राइटिंग हो रही है जो रेजिस्टेंस बना रहा है 80 के लेवल पर जहाँ 57,00,000 से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। वहीं देखिएगा जो चीज देखने वाली है वो देखिएगा 80 के लेवल पर ये है कि देखिए यहाँ पे तकरीबन देखिए 57,90,000 से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है 80 की स्ट्राइक पर। वहीं देखिएगा सिमिलर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा ओआई जो यहाँ पे लगा हुआ 80 की स्ट्राइक पर कॉल में वो भी बिल्कुल सेम अमाउंट है, देखिएगा बिल्कुल सिमिलर अमाउंट है। लेकिन देखिएगा वहां पर देखिए हमारे पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी आज की तारीख में 80 की स्ट्राइक पर, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 7,15,000 के लगभग आपको कॉल की राइटिंग होती नजर आएगी जो एक रेजिस्टेंस बनाती है। तो देखिए अभी चूंकि हमारा जो फ्लक्चुएशन हो सकता है वो 70 से 80 के लेवल के लगभग होगा तो इस चीज को आपको देखना है। ये देखिए 70 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है हमारा और 80 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मे पॉसिबली अगर देखिएगा कहीं ना कहीं बिकवाली होती है तो वो 80 के लेवल के आसपास ही होगी, तो आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते कि ये जो तेजी है ये ज्यादा देर रहने वाली है। आगे देखिएगा अगर हम आज की तारीख में मंडे पर जाके RSI की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो देखिए एक हल्का सा आपको मूव दिखाई देगा, यानी बायर की स्ट्रेंथ 37.41 इसके लगभग आपको बायर की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। अब क्योंकि बायर की जो स्ट्रेंथ है वो देखिए इतनी कुछ खास नहीं है कि अभी भी हम बोल सकते हैं कि हमें, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी ये रेड कैंडल्स बनी है 2 दिन में। वही देखिए इतनी छोटी सी रिकवरी मिली है हमको वो भी शॉर्ट्स कवर होने की वजह से। तो देखिए ये मुद्दा है, इसको समझना है। बाकी देखिएगा अब चूंकि किस तरीके से देखिए बायर्स यस बैंक के अंदर दोबारा से निवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिएगा QIP से काफी नुकसान हो चुका है जो कि देखिएगा उम्मीद भी थी, क्योंकि देखिएगा जिस तरीके से डिस्काउंट मिला है और क्या चीजें और सामने आएंगी निकल के उनसे और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आगे चल के।
क्योंकि देखिएगा यस बैंक में अभी भी कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे सामने आनी बाकी हैं। क्योंकि देखिए क्यूआईपी जो है वो बहुत हद तक अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए जब भी फंड रेज होगा तो वो यस बैंक के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन देखिएगा मार्केट उससे कुछ खास खुश नहीं हुआ, ये भी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए फिर इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू।